नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। जी हाँ, दोबारा से रोड पर, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा फॉर्मेट रोड शो है और हम रोड पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आवाम की इस वक्त चल रही है, उसको हाईलाइट करते हैं कराची की। और इस वक्त जो हमें एक मसला, बड़ा मेन मसला है, क्योंकि वो मसला वो है जो आपके पेट तक पहुँचता है। जी हाँ, खाने पीने का मसला है, उस पर हम डिस्कस करने के लिए निकले हैं। और हम जहाँ खड़े हैं, आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा चिकन। मैं इस वक्त काम कर रही हूँ चिकन पे भी, मटन पे भी, बीफ पे भी, लेकिन काम क्यों कर रही हूँ मैं? इन चीज़ों में काम करने इसलिए आई हूँ कि जनाब आपको बता सकूँ कि दिन ब दिन चिकन के रेटों में, मटन के, बीफ के रेटों में इजाफा होता जा रहा है। और आवाम जो है उसका कहना यह है कि हम तो पहले ही दाल सब्ज़ी भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो ये जो चीज़ें हैं कैसे अफोर्ड करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जब शादी की तकरीबात होती है, आगे ईद माशाल्लाह आने वाली है, रोज़े जल्दी जल्दी हमसे रुख्सत होते जा रहे हैं, तो सबके घर में दावतें शुरू हो जाएंगी। जब दावतें शुरू होंगी और ऑलरेडी आखिरी रमज़ान के अशरे में गोश्त का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो सोचें कि जो लोग ऑलरेडी परेशान लोग हैं, जिनकी कुव्वतें नहीं है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी महंगाई में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग कहाँ से अपने घर में ये पकाएंगे। अब मुर्गी का रेट देखें, यहाँ लिखा हुआ 600 रुपये किलो, मतलब एक किलो की 600, और बाकी अगर आप अलग अलग चीज़ें लेते हैं, मतलब दिल, गुर्दा, हर चीज़ अलग अलग लेते हैं, तो उनकी क्वांटिटी अलग आ जाती है। रेटों का डिफरेंस सिर्फ उनकी हवाले से होता है कि जी गोश्त खुला कैसे ले रहे हैं, हड्डी वाला कैसे ले रहे हैं, साबुत मुर्गी कैसे ले रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें पूछेंगे कि मुर्गी महंगी होने का रीज़न या गोश्त महंगा होने का रीज़न क्या है। और स्पेशली मुर्गी तो एक ऐसी चीज़ थी कि हर दावत में लोग बड़े आसानी से ये अपना एहतमाम कर लेते थे, ये 400, 450 तक भी जब होती थी तो हम कह रहे थे ओके, लेकिन एकदम से ये 450 से क्रॉस करके अब 600 से भी ऊपर जा रही है। अब सर्दी भी रही है, क्या बोले, सर्दी है जी, सर्दी में आपको मिकदार कम आती है और मसले मसाइल होते हैं लोगों की, ज़्यादा हो जाती है कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी खा रहे होते हैं या अंडे ले रहे होते हैं, गर्म गर्म चीज़ उनको चाहिए होती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन रेट बढ़ने का रीज़न क्या है वो मार्केट से पूछेंगे, आवाम से पूछेंगे, आवाम से पूछेंगे कि जी इतनी महंगी मुर्गी हो गई है तो क्या करेंगे भाई, ईद पे क्या करेंगे, और इनसे पूछेंगे कि मुर्गी या गोश्त या बटर जो भी है महंगा होने का रीज़न क्या है, इसके पीछे कौन से वजूहात हैं, जो मैं आप तक लाऊंगी न्यूज़ नाइट पर। अच्छा जी, मैं ज़रा दुकानदार से बात करती हूँ कि मुर्गी जो महंगी होने का रीज़न क्या है और इस वक्त क्या रेट चल रहा है, और इनको क्या मुर्गी पीछे से महंगी मिल रही है, जो इतना होल सेल में देखा जाए तो ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे होल सेल का भी काम होता होगा, इनके पास से मुर्गी आगे जाती होगी, तो ऐसी क्या वजूहत है कि मुर्गी एकदम से आसमानों पर पहुँच गई। चलें बात करते हैं, आवाम कह रही है कि जी मुर्गी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो महंगे होने का रीज़न तो होगा ना? पहले रीज़न था इसका, फीड का मसला था, उस वजह से मुर्गी महंगी थी। अच्छा, अभी वो तो सारे मामला ठीक हो गए, अभी पता नहीं क्या चक्कर है, हमें जिस रेट में मिलती है हम तो आगे उस रेट पे सेल कर देते हैं। आप लोगों को पीछे से महंगी मिल रही जी, है? जी पीछे से महंगी मिल रही है इसी वजह से जी। लेकिन ऑलरेडी देखा जाए तो अब सर्दी नहीं है, मुर्गी की रेट नीचे आने चाहिए थे। नहीं, सर्दी का इससे कोई वास्ता नहीं है, सर्दी जी डेली का रोजाना का रेट होता है। अच्छा, आप लोग खुला गोश्त कैसे दे रहे हैं, साबुत मुर्गी कैसे दे रहे हैं? इसके तो हर चीज अलग अलग बिकती है ना, गर्दन अलग, जी जी, गुर्दे अलग, गर्दन का रेट अलग होता है, रान का रेट अलग होता है, सीने का रेट अलग होता है, और जो बोनलेस होता है उसका, बोनलेस का भी रेट अलग होता है। तो वैसे अगर आप लोग हैं साबुत मुर्गी तो 600 रुपए किलो है, किलो है बगैर कलेजी पोटे के, बगैर कलेजी पोटे, वो क्यों निकाल लेते हो बगैर कलेजी पोटे? वो बगैर कलेजी पोटे के रेट निकलता है ना इसका। अच्छा, इसके लिए बगैर कलेजी पोटे के बेचते हैं, बगैर, इसमें हम पब्लिक का नुकसान होता है, इसलिए बगैर कलेजी पे पोटे के बेचते हैं, वो काउंट ना हो जी। महंगाई हो गई है, पब्लिक अफोर्ड कर पाती गोश्त लेने आती है? मैंने देखा पहले लोग अच्छा खासा महंगा लेते थे, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, अब लोगों की इतनी सकत नहीं रही है जी। ऐसे ही है, जो 5 किलो लेने वाला वो 1 किलो 2 किलो भी आ गया है ना जी। अब सोच रहे तीन, अगर हम लोग 350 या 400 भी मुर्गी होती थी बंदा इजीली अफोर्ड कर रहे था जी। अब 600 का मतलब ये है कि अगर वो लेने जाए 2 किलो भी, तो उसको 1200 रुपये चाहिए जी, 1200 रुपये चाहिए। तो क्या कहोगे, ये महंगाई का कसूरवार कौन है? महंगाई चिकन महंगी होती है ना, इस वजह से फिर आगे लोगों की जो है ख़त्म हो जाती है सकत उस लेने की, इस वजह से वो 1-2 किलो जो है वो रेंज करके ले सकते हैं। तुम्हारे पास कोई ऐसा कस्टमर? हमारे भी काम में फ़र्क पड़ता है, महंगी मुर्गी हो ना, हमें तो जिस भाव जी, हम तो जाते हैं 400 रुपये किलो, हमें जितनी 400 किलो होगी हम उतने हमारा फायदा है, मुर्गी ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा सेल होगी जी। अच्छा बताओ, कभी ऐसा हुआ कोई? हम इस रेट से खुशहाल नहीं है, खुशहाल नहीं जी, हमें 2 माह हो गए, हम बहुत परेशान हैं इस रेटों के चक्कर में।
काम मुतासर हुआ जी, है। काम मुतासर हुआ, बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि अब लोग कस्टमर ज्यादातर देख के गुजर जाते होंगे आगे जी, से जी, ना, कि उनको होता होगा कि ये हमारी पहुंच से ऊपर की चीज है। ऐसे ही बिल्कुल। चले कि अल्लाह पाकिस्तानी करे, हम आगे चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये लेग पीस बना रहा है, ये पीसेस बना रहे हैं अपने बिरयानी पुलाव के। लेकिन भाई का कहना है कि यहाँ पे काम बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप कस्टमर हैं या लेने वाले? कस्टमर है। क्या बोलेंगे, इतनी महंगाई होगी, 600 रुपए किलो मुर्गी हो गई है, फिर भी ले गया वहाँ? नहीं, वो तो ले रहे हैं, मजबूरी है ना। देखो एक बात है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बेगम, क्या कर सकते हैं, नहीं कर कुछ नहीं सकते, लेकिन तकलीफ ही होती कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी क्या करें, हमारे हुक्मरान नहीं सोच रहे, ये बात तो हम कहाँ से सोचेंगे। तो आपने भी नहीं सोचना, हमें भी नहीं सोचना, और क्या करना, हमारे बड़े नहीं कर रहे तो हम क्या करें। एक बात है, चलो तुम तो सोच लो ना, वो तो इसलिए तो पैसा है, वो इसलिए नहीं सोच रहे। अभी हम इनसे क्या लड़ेंगे, बोल रहे हैं 600 किलो तो अभी हम कसूर ही नहीं है। आप बताएं अभी हम क्या कर सकते हैं। मैं तो इनसे पूछ रही हूँ की महंगाई क्यों है, इतनी रेट क्यों बढ़ गए। उन्होंने बता दिया जी पीछे से हमें माल महंगा मिल रहा है। अभी हमें जरूरत है, हमें लेना है, हम ले रहे हैं, ले रहे हैं, बनानी तो है। मुतासिर होते हैं इंसान का जो बजट है, मुतासिर होता है जी। जी क्यों नहीं होता बजट मुतासिर, क्योंकि सिर्फ मुर्गी, अगर हम मटन की बात करें, मटन तो 1800 और 2000 पे पहुंच गया है जी। जो बड़ा गोश्त है वो भी बहुत महंगा हो गया है, तो ये सोचे ये रीजनेबल होती थी मुर्गी लोगों के लिए, सही बात, कि हर कोई खा सकता था जी। जी जी अब तो पहुँच से बहुत दूर है जो बात है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं लेने वाले जिनको जरूरत है। मदद कर ही देता है, आगे चला रहा है, वो चला रहा है, अल्लाह का शुक्र। आप पीछे देख रहे होंगे जी, यहाँ के लोगों का कहना ये है कि हम मुतासिर हुए, ये जो काम है ये वाला, ये खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ जब क्लाइंट आता है तो जो पहले ज्यादा लेता था वो उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी है। आप मांगने वाली हैं तो आपको कोई दिला नहीं देता, कोई एक आध टांग दिला दे, फोटा दिला दे, आप कहती होगी अल्लाह के नाम पे मुझे भी मुर्गी दिला दो। कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, और रुपया नहीं दे रहे हैं तो मुर्गी लेते दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप आपस की बात है, कभी आपने प्यार मोहब्बत से किसी से बोला बेटा जरा एक टांग तो दिलवा दो? मैं मोहब्बत प्यार ना ही बोल रहा हूँ, अम्मा महंगा हो गया क्या करूँ, वे वैसे महंगाई भी बहुत हो गई ना, बहुत हो गया ना बेटी, मैं क्या करूँ, फिर नहीं दे रहे ना अल्लाह के ना, कोई नहीं देवे, कोई तरफ दे रहे, कोई रुपया दे रहे, कोई दो रुपया दे रहे, बस अल्लाह मुश्किल है साथ करे सबकी। चले बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी प्यारी सी खाला मिली, कहती है मैं तो खुद मांगने वाली हूँ, कहती है मुर्गी क्या देगी, या तो लोग पैसे नहीं देते। बड़ी मजे मजे की कहानी है, जब आप रोड पर चलते हैं तो ऐसे बहुत से करेक्टर आपको मिलते हैं, और ज्यादातर तकलीफ के साथ बोलूं कि मुझे मांगने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। ये मुर्गी पे जरा रोशनी डाले, 600 रुपए केजी हो गई है, महंगी हो गई है, बहुत बहुत महंगी हो गई है, क्या कहेंगे। ये तो कह रहे पीछे से महंगी आती है मुर्गी, तो वो भी अपनी जगह सच्चे हैं, सच्चे है ना। और वो जो बड़े हैं उनको पकड़ो, या फिर जो बेच रहे आ रहा है जहाँ से उनको पकड़ के ज़िबा करो, है ना। अबे हाँ, वो ही ला के इधर बैठे। तो आप मुर्गी उर्गी लेके जा रहे हैं आजकल घर या नहीं? नहीं हमने लेके जा रहे। अरे भाई कह रहे नहीं भाई, हम लेके नहीं जा रहे, हम थोड़ा सा और आगे चलते। गोश्त बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया, अब तो फिर भी थोड़ा सा सस्ता हो गया, वरना 700 रुपए मुर्गी बिक रही थी। जी जी, अभी तो 100 रुपए तकरीबन नीचे आ गए, 600 रुपए हो गई है, तो अल्लाह का शुक्र है। हांडी पकानी हो जी जी, गरीब आदमी तो बेमौत मारा गया मैडम, इधर गरीब आदमी तो ये समझ लें कि भूतों पे खाना खा रहा है, छीपा पे दी पे इन पे उन पे, अच्छे खासे लोग जो है बेचारे वो बिल्कुल मफलूज होके रह गए, तो गरीब आदमी का क्या बनेगा, गरीब आदमी मिट गया वैसे मैंने जी, देखा जी, है। जी, बिल्कुल। अच्छा खासा खाता पीता बंदा, इस दफा उसकी सकत नहीं है जी, जो अपना जो निकालते थे रमजानों में पैसे जी, निकालते थे, वो कहते हैं हमारी सकत नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मजबूर है, अच्छे खासे मजबूत लोगों की सकत नहीं है तो गरीब किधर जाएगा। ये चले अल्लाह में मुश्किल है आपकी, हम सबकी आसान, अल्लाह ताला अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान। बड़ी प्यारी प्यारी बातें, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और लोगों से बातें भी करते हैं। मैं लोगों से मिला रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि इस वक्त चिकन मटन बीफ उसके रेट क्या चल रहे हैं, और थोड़ा आगे जाएंगे, आगे भी दुकान है, उनसे भी बात करेंगे। हम बात इसलिए करेंगे कि वो चीज़ें हैं जो कहते हैं ना, आप अपने घरों में दस्तखानों में सजाते हो, जब कोई दावत होती है तमाम होता है तो आपको ये चाहता है, और हम एक वक्त तक हम समझते हैं कि चिकन सबसे बेस्ट होती है, आपकी कम बजट में बन जाती है, लेकिन अब कम बजट में कुछ नहीं बनता। एक और भाई यहाँ से मेरे ख्याल से सप्लाई जा रही है ना, कहाँ लेके जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, ये नाजमाबाद लेके जा रहा हूँ। अच्छा बताओ, कोई काम मुतासर हुआ है रेट बढ़ने से? बिल्कुल मुतासर हुआ है। कितना मुतासर हुआ है? कम से कम आधे आधे काम का फर्क हो, आधे काम का फर्क आ गया है। क्लाइंट अब ज्यादा गोश्त नहीं लेता, पकवान वाले बेचारे मजबूरी में ले रहे हैं, ऑर्डर देना होता उन्होंने। चलो अल्लाह बरकत दे तुम्हारे काम में, इसलिए देखो एक दुकान सजा ली है, ये यहाँ से अब आप शॉप पे लेके जा रहे हो, आगे सेल करोगे? नहीं नहीं, आगे पकवान वाले पे के पास छोड़ के आ रहा हूँ, वो आगे जाके अफतारी का
तैयार करेंगे। अच्छा अच्छा, देखिए अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की राह में खिलाने वाले अभी भी मौजूद हैं, जो इस तरह पकवान सेंटर में जाते हैं और खाना पकाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, ये अल्लाह के वो प्यारे लोग हैं, अल्लाह ने काम लगाया हुआ है। दुनिया जब तक है मरेंगे नहीं हम लोग, आप याद रखेंगे, तो खुदा चलाता है सबको, सब चल रहा है। मैं यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। रमजान मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। कोई रोशनी डाले, इतनी महंगाई हो गई चिकन, ये महंगाई हर चीज पे महंगाई है। हमारे सियासतदान अपने सिर्फ जेबें भरते हैं और बाहर चले जाते हैं। अब गरीब आवाम मरती है, गरीब आवाम को किसी को फिक्र नहीं है, बस ये बताए। अब मुर्गी गोश्त ये सब इतना महंगा हो गया, मछली तो भूल जाओ। हाँ मछली, अब कैसे अफोर्ड करेंगे हम लोग? कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये गुजारा करेंगे, बच्चों को चार की जगह एक रोटी खिलाएंगे, यही गुजारा हो सकता है। काम तो करना ही है, अपने सफेद पोशी तो कायम रखनी है। हम इन बजट को कम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ये हमारे सियासतदान सही नहीं होंगे, ये करप्शन खत्म नहीं करेंगे, अपनी जेबें भरना नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसी आवाम भूखी मरती है। सियासतदानों की शब्द एक बनानी चाहिए मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल डालो, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छी आपकी राय, मैं खुश हूँ। अंकल जी बहुत मुस्कुरा रहे, बहुत बहुत शुक्रिया दुआ में। आप देखिएगा बहुत प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, दिल खुश होता है। मैंने कहा ना ईमान है माशाल्लाह, जब तक मुसलमान जिंदा है एक कोई ना कोई किसी की दुआ, किसी की ऐसी चीज़ आपको लगती है जिसकी वजह से कहते हैं हमारा मुल्क खसारे में नहीं आएगा। हम थोड़ा पीछे चलते हैं और एक और क्लाइंट यहाँ खड़ा हुआ है जो मुर्गी लेने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, रमजान मुबारक भैया सामने। अच्छा मुर्गी लेने आए, बड़ी सस्ती चल रही है आजकल मुर्गी पाकिस्तान में, कौन सी चीज़ सस्ती चल रही होगा? मैंने वही तो पूछा, बड़ी सस्ती चल रही है। हाँ शुक्र है सस्ती चल रही है, अभी यहाँ तो नहीं, जिस तरह हमारे हुक्मरान काम कर रहे हैं तो फिर भी सस्ती चल रही है, वरना उसूलन तो ये पता नहीं कहाँ होना चाहिए थी। रात सिर्फ ये सिर्फ मुर्गी हुक्मरानों के घरों में होना चाहिए, गरीब के घर में तो मरी हुई मुर्गी होना चाहिए खाली, बस तो मार भी देना, मार नहीं दे, मार दिए, मार नहीं दिए, ये मार चुके हैं, मारने की बात कर रही हैं आप, मार चुके हैं, मार चुके हैं, मारने की बात नहीं कर रहे, मार चुके हैं, खत्म हो गया कहानी, बेचारा सफेद फौज भी खत्म हो रहा है। हम जैसे लोग खत्म हो गए, हम तो जिंदा है अभी थोड़े दिन के लिए, अलग एहसान है, लेकिन ये है कि हमें चाहिए कि इस रमजान में हम बद्दुआ करें इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको नेस्त और नाबूद कर दे, आमीन, हमें जालिम हुक्मरान से निजात दे, आमीन, आशिक रसूल और इंसाफ करने वाले हुक्मरान अता फरमाए, आमीन। तो इनको मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देंगे अब, मैसेज के लिए बच्चा क्या है देने के लिए, मैसेज से तो काम चल रहा है हमारा, मैसेज पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, दुआ से भी काम नहीं चलेगा, इसलिए कि हम सब बेमान हो चुके हैं, तो दुआ कहाँ से काम करेगी? हर आदमी जहाँ हमारी आँख बजती है हम डंडी मारने को तैयार होते हैं, तो हम कहाँ से दुआ काम करेगी हमारी, हम पे तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा, होना चाहिए जो तो अल्लाह का एहसान है कि अजाब नाजिल नहीं हुआ, वरना जलजले क्यों आते, जो तो अल्लाह का एहसान है जो हमारे हालात हैं इस रमजान शरीफ में, जो हमारे हालात हैं, रमजान देखें किस तरह गुजर रहा है इस वक्त, वरना रमजान की एक बरकत होती थी, एक रौनक क्यों उड़ गई, हमें सोचना चाहिए, हम सोचने को तैयार नहीं है, हम आज भी फिकर अंगेज, मतलब फिकर करने को तैयार नहीं, फिकर करने को, छीना छप्पी इसलिए ज्यादा हो गई है, छीना छप्पी तो चलो एक वो हो रही है, वो अलग चीज है, लेकिन ये सोचने का काम हुक्मरानों का है ना, एक हम आपका भी सोचने का क्या, हमें अपने अमालों को सही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह, बहुत प्यारी सी बात की। कस्टमर क्या लेने के लिए आगे भैया? चिकन लेने आए। क्या कौन सा चिकन में पीस लेने आया? बिरयानी का, कढ़ाई का? बिरयानी का, बिरयानी बन रही है घर में। अच्छा बताओ गोश्त पे नजर सारी डालो, बड़ी महंगा गोश्त होता जा रहा है, चाहे चिकन हो मटन हो। नहीं देखें, बात ये है ओवरऑल हर चीज़ में महंगाई हो रही है, इस चीज़ को तो आप नहीं गिन सकते कि महंगाई हो रही है, हर चीज़ पे बढ़ रही। सही सही, तो चिकन भी बढ़ेगा, पैसा तो नहीं है कि मतलब गोश्त बढ़ा तो चिकन फिर भी मिलेगा, चलेगी तो सब चीज़ें बढ़ेंगी, पेट्रोल डालेगा, पहले पेट्रोल 120 रुपये था, आज 272 रुपये, तो भी लोग ले रहे। एक जयती कीजिए, खैर हम इस वक्त ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मजीद बात करेंगे, मिलते हैं न्यूज़ लाइव में। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ न्यूज़ नाइट के साथ, और इस वक्त मैं लियाकताबाद सुपरमार्केट में मौजूद हूँ, और यहाँ पर हम आज फिर आए हैं, पहले मैं कहीं और थी, फिर वहाँ से ज़रा आ गए हैं, मुर्गी पे गोश्त पे हम काम कर रहे हैं, बढ़ते हुए रेटों पे काम कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, और जिस तरह रमज़ान शरीफ माशाल्लाह कुछ दिनों बाद हमसे रुख्सत हो जाएगा, और कहते हैं दावतें शुरू हो जाएंगी, ईद आ जाएगी, ईद पर आपको पता है घर में हर घर में दावत हो रही होती है, बारबेक्यू चल रहा होता है, बिरयानी बन रही होती है, तो वो सब चीज़ें इन्हीं से बनती है।
यहाँ पे ग्राहक भी परेशान है, देने वाला भी परेशान है, क्योंकि वो कह रहे हैं महंगाई इतनी, कस्टमर रुकते नहीं है। तो बात करते हैं जरा एक अंकल जी से, जो मैं आई थी तो उन्होंने थोड़ी सी मुझसे बात भी की थी, तो मैं जरा कैमरे में लेती हूँ। सलाम अलैकुम अंकल। अंकल केले भी तो महंगे चल रहे हैं। केले क्या पूरी दुनिया महंगी चल रही है, केले क्या महंगे चल रहे हैं, पूरी दुनिया महंगी चल रही है। केले बेच रहे 170 रुपए दर्जन, 170 रुपए दर्जन बिक रही है, 570 रुपए किलो। आप क्या बोल रहे हैं, खरबूजा बिक रहा है 50 रुपए किलो दे रहे थे, वैसे मैंने आगे देखा नहीं था। आप ये बताएं इनको, हुकूमत को बोलें कि आप लोग जो बोल रहे हैं ये सस्ताई क्या हो रही है? हैं, सस्ताई तो कुछ नहीं हो रही है, और महंगाई गरीब से गरीब मर रहा है, गरीब से गरीब मर रहा है, अमीर से अमीर हो रहा है, जितने भी है ना ये सियासतदान ये सब अमीर हो रहे हैं, कोई गरीब नहीं हो रहा, आवाम गरीब हो रही है, मर रहे बेचारे भूखे, अपने बच्चों को मार रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, जला रहे, क्या कर रहे, खुदकुशियां कर रहे हैं। अब यहाँ से औरतें गुजर जाती हैं, उनकी देखते हुए उनकी इतनी सकत नहीं होती कि वो मुर्गी ले सके। भाई कैसे लेंगे बताओ, 600 रुपए किलो कौन लेगा ये बताओ, उनकी तनख्वाह 1000 रुपए है, दाढ़ी कैसे देगा 600 रुपए में मुर्गी, वो कैसे खाएगा, वो 200 रुपए किलो दूध है, 220 रुपए कहाँ से आएगा पूरा, भाई उससे ज्यादा महंगा है, 300 के करीब। बात यही है ना कि कौन लेगा मुझे तो बताओ, जिसकी 1000 रुपए सैलरी हो कैसे अपने बच्चों को खिलाएगा, तो बच्चों को भूखा मार रहा है बेचारे को। तो बात ये नहीं है, हुकूमत बहस से कोई फायदा नहीं, आप लोगों ने कर्जे लिए हैं, वो तो कर्जे लिए नवाज शरीफ ने लिए, हुकूमत हम तो बोलते हैं आप जिसने कर्जे जिनको दिए ना उनसे वसूल करें, आवाम से वसूल नहीं कर रही, वसूल ना करें, फ्यूलिंग हमसे ले रहे हैं, टैक्स हमसे ले रहे हैं। भाई बात ये नहीं है, सुना चिकन भाई 700-600 तो बाहर चल रही है, मुश्किल है ना, चले जी आज मांग ले जाएंगे फिर पता लगेगा इनको, तो कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे मुल्क, वैसे कोई नहीं जा रहा, सब बंदों के आगे मांग रहे, अल्लाह के आगे कोई नहीं मांग रहा, बात ये सारी क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं, बंदे पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा नहीं, बंदे पे भरोसा है। इस्लाम की बात करो, मेरी अपनी अपनी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है, मुझे आपकी बुराई नजर आ रही है, अपनी बुराई नजर हम सब बुरे हैं, हम सब बुरे हैं, बात ये सारी, जब शिकायत ये है ना कि हम अल्लाह से शिकायत नहीं कर रहे, बंदों से कर रहे हैं, जो सुनने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मैं आप दोनों की तरफ हूँ, आप दोनों की बातें बिल्कुल वैलिड है। सलाम अलैकुम भैया, रमजान मुबारक। अच्छा हम एक वैसे एक आम बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है, गोश्त मुर्गी सब महंगा हो गया है, भाई पाकिस्तान में कौन सी चीज महंगी नहीं है, यही पूछ रही हूँ ना, हमारा क्या होगा। सबसे मेन चीज है रमजान के अंदर, हर मुल्क में आप कहीं भी चले जाएं, इवन आप नॉन मुस्लिम कंट्रीज में चले जाएं, आपको हर चीज मुसलमानों को ईद के इवेंट पे आपको ये सारी चीजें 50% 70% डिस्काउंट पे मिलती है, और यहाँ पाकिस्तान में वही चीज आपको 50% या 100% वही चीज आपको महंगी मिलती है, महंगी मिलती है, ऐसी है। अच्छा इसका ताल्लुक इनसे नहीं है क्योंकि ये लोग भी मजबूर हैं, बैठे हैं, इनको चीजें भाई इनसे ताल्लुक क्यों नहीं है, इनसे ताल्लुक है, क्यों? आप यही चीज देखोगे, अगर ये 450 रुपए मुर्गी देगा तो वो आपको 550 रुपए मिलेगा, रेट डिफरेंस आ गया, रेट डिफरेंस आ जाता है, क्यों नहीं आता है, सही सही, हर जगह पे आता है, और उनके अलावा इनकी मार्केटिंग इनसे कोई पूछने वाला नहीं। मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट को इस चीज पे कदम उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल सोई हुई है, वो अपने छापे मारने अपने आप को दिखाने के लिए भाई, और वो जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और कुछ भी नहीं करते, वो भी आते हैं इनको से पैसे लेके चले जाते हैं, बतारे वालों को उठाया पैसे लिए, दो घंटे बाद बतारे लग गए, ये आपको ये यही मार्केट साफ मिल रही थी, अभी कितना आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा आगे, बंदा रोजे के गाड़ी बाहर लगाई क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, बिल्कुल ऐसा ही नहीं आ सकती, इमरजेंसी हो तो बंदा गुजर नहीं सकता, यहाँ सारे फ्लैट है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, नाम आपका सराजुद्दीन, सराजुद्दीन ने इतनी अच्छी बात की, रहने का हम सबको मिलकर ज़रा सही होना पड़ेगा क्योंकि हालात चल रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। सलाम अलैकुम भाई, थोड़ा करीब आ जाओ, क्या नाम है? मोहम्मद फहीम। फहीम कैसा काम जा रहा है? बस थोड़ा स्लो हुआ हुआ है काम में, मुर्गी थोड़ी सी महंगी हुई भी है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, स्लो हुआ हुआ है। अच्छा लोग अब परेशान है मुर्गी के वजह से? परेशान है। अच्छा मैं जल्दी जल्दी बात करूँगी, इतनी ज्यादा स्मेल है मैं खड़ी नहीं हो पा रही, तुम बताओ ये जो रेट है पीछे से आ रहे हैं महंगे? जी बिल्कुल पीछे से, तुम लोगों को तो फिर इतना प्रॉफिट नहीं बचता होगा? बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, मतलब मुश्किल तुम्हारी जिंदगी भी हुई भी है? जी बिल्कुल। चले जी, फहीम का कहना, इनका कहना है कि यहाँ पे मुश्किल हुई भी इनकी जिंदगी, देखिए इनका माल जो यहाँ, मैंने सही कहा था ना मक्खियाँ उड़ा रहा है, मैंने तो एक वैसी मिसाल बोली थी, वो मक्खियाँ उड़ा रहा है, उसका जो क्लाइंट है वो आ नहीं रहा, जो कस्टमर है वो लेने नहीं आ रहा। यहाँ पे एक अंकल जी और है, सलाम अलैकुम अंकल जी, सलाम अलैकुम अंकल जी, रमजान मुबारक। अंकल जी थोड़ा सा बात करेंगे? नहीं भैया। क्यों अंकल? खैर फरमा, आपसे फरमा यही काफ़ी है। चले थोड़ा बता दें, जो मुसलमान को ईमान अमाल कलमा नमाज के लिए सब चीज़ें सट जाएंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दीन से दूर है, इस वजह से सारी परेशानियां तकलीफ और हाल है।
बेशक बेशक, लेकिन अंकल इतनी महंगाई होगी उसकी? महंगाई तो हमारे अमाल की वजह से है, ऊपर से फैसले हैं ये। ऊपर के फैसले? ऊपर के फैसले, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, ना किसी हुकूमत का ना किसी का, ये अल्लाह की तरफ से। तो ये जो आवाम अल्लाह की तरफ रुजू हो, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा, अल्लाह से दूर होगा, इससे भी पता हाल हमारा हो जाएगा। चले जी आगे चलती हूँ, इन्होंने कहा अल्लाह की तरफ रुजू करे, सबसे हो जाएगा। इसे इतनी बदबू है इस इलाके में जहाँ मौजूद हूँ, मैं थोड़ा घूम जाती हूँ हर जगह उधर, यहाँ से यहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल है यहाँ पर, मैं कहती हूँ क्या यहाँ पे इंसान नहीं बसते? ये जो रोडें चल रही हैं यहाँ पे, बाइक वाले जा रहे हैं, नमाजी जा रहे हैं, और यहाँ के जो यूनियन वाले हैं, काउंसलर हैं, पता नहीं कहाँ मर गए। अल्लाह लोगों को गारत करे कि ऐसे आमिर सुमामिर हम सब की तरफ से। ये रमजान का महीना है, आखिरी अशरा चल गया, और यहाँ पे रोडों का आप जरा हाल देखे, यहाँ पे लोग परेशान है, लोगों के सामान नहीं बिक रहा, गंदगी की वजह से यहाँ पे जो हाल है, नमाज ही नहीं चल सकते। आप थोड़ा रोशनी डालेंगे, गंदगी इतनी है तो पूरे कराची में, पूरे कराची में पूरा देखिए। ये सोचे हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं अब, बस क्या करें, आप ही फैसला करें। अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह रोडे खोदी है सारी, बन नहीं रही। बात ये है कि अल्लाह पे क्यों छोड़ा हुआ है, हर काम अल्लाह से भी करेगा, हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं फिर। तो इस वक्त देखिए अपनी मदद आपके तहत, ये भाई झाड़ू लगा रहा है, जरा दिखाओ, ये अपनी गली साफ कर रहा है ताकि कस्टमर इनके पास, क्लाइंट आ सके। इनके हाथों में झाड़ू है। यहाँ पर देखे ये रोडें इस तरह की नहीं होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ। ये जो इस वक्त यहाँ का जो माहौल चल रहा है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, विंडो में तमाम चीज़ें चल रही है। ये वो बाजार है जहाँ पर इस वक्त बहुत रश है, और औरतें अपनी शॉपिंग कर रही हैं, अपना कहते हैं किचन का सामान खरीद रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगी कैसे आप, ठीक हैं? रमज़ान मुबारक। आप ही मुझे बताएं, इतनी महंगाई हो गई है, और मैं ऊपर से ये रोडों का हाल भी देख रही हूँ, मुर्गी भी देखे ना 600 से फिर ऊपर चली गई है, तो क्या कहेंगी, मुश्किल नहीं होती जिंदगी? बस अल्लाह करवाता। अब एक चीज़ तो लेने नहीं आते ना, जब आप एक हांडी बनाते हो उसमें उसमें बहुत कुछ डलता है। मैं क्या बोलूँगा, बजट तो आउट हो जाता होगा जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आउट हो जाता होगा, क्योंकि जो मर्द कमा के लाते हैं उन्हें तो बजट देना होता है औरत को, क्या भाई ये बजट है, मेरी ये सैलरी है, आपने इतने में पूरा करना है, आप उसमें आप अपनी ईद की शॉपिंग तो नहीं कर सकती? नहीं, बहुत मुश्किल हो गई अब तो। बच्चों की तैयारी की? बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जवाब दिया, हमसे बात की। मैं थोड़ा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, रमजान मुबारक, कैसी हैं, क्या खरीद रही हैं? कुछ नहीं, सब्जी लेने हैं। अच्छा बताएं, ये मुर्गी जो इतनी महंगी हो गई है, 600 से कोई 600 दे रहा है, कोई 570 दे रहा है, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? हम क्या बोल रहे हैं, आप तो सदका ही खाते हैं। मुश्किल नहीं हो गई आपके बजट? बहुत ज्यादा, हाँ जी बहुत ज्यादा। आपके घर वाले बेटा या दामाद या शोहर देते होंगे पैसे? शादी शुदा नहीं। अच्छा नहीं, आप शादी नहीं की? नहीं। ये तो आपने सबसे अच्छा काम किया जिंदगी में, जिंदगी में मसले हो जाते हैं, इन्होंने शादी नहीं की। सदका सदका सारा खाते हैं। चले आप भी मांग दिए क्या? क्यों मांग रही है? कमाने वाला कोई नहीं ना, तो फिर शादी करती ना, ताकि मियां होता, बच्चे होते हैं ना, बीमार रही है ना। तो आपके घर पे कौन कौन है? बच्चे, हमारी बहन, वो भी बेवा। अच्छा जी, इनकी बहन बेवा, इन्होंने शादी नहीं की। मैंने आपको बताया ना, मैं ज़्यादातर जब इंटरव्यू लेती हूँ, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादातर ऐसी खवातीन नज़र आती हैं जो मांगने वाली होती हैं, मुझे दुख होता है। अस्सलाम वालेकुम, ये भी मुझे ये भी खैर वैसी लग रही, मैं इसलिए नहीं रुकूँगी कि मुझे तकलीफ होती है ऐसी औरतों से बात करते हुए, जब वो आखिर में कहती हैं अल्लाह के नाम पर कुछ दे जाए। तो हमारा मुल्क किस जगह आ गया है कि अल्लाह के नाम पे हर कोई मांग रहा है? अच्छी बात है, हमें अल्लाह से ही मांगना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा हाल नहीं होना चाहिए कि हर बंदा हाथ में कटोरा लेकर यहाँ खड़ा हुआ है, हर बंदे को चाहिए अल्लाह के नाम पर। खैर इस वक्त हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से मजीद वापस आएंगे तो न्यूज़ नाइट में आपसे बात करें। दोबारा से हाजिर हूँ न्यूज़ नाइट के साथ, और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि मेरे बैक साइड पे सारा चिकन ही चिकन है। हम गोश्त पे काम कर रहे हैं, उसमें चाहे चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, लेकिन ज़्यादा फोकस चिकन इसलिए कि चिकन इस वक्त
कहीं कुछ रेट है, कहीं कुछ रेट है, रेटों का डिफरेंस क्या है, उसमें भी बात करेंगे और ये रेट बढ़ते जा रहे हैं, जरा इनसे भी बात करेंगे। और सलाम अलैकुम भैया, क्या रेट चल रहा है चिकन का? 450 सर, करीब आ जाओ। 450 क्या किलो चिकन? साबुत साबुत मुर्गी नहीं, गोश्त 450, जिंदा मुर्गी 380 रुपए। जिंदा मुर्गी 380 रुपए और 450 वैसे। अच्छा रेट कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, डिफरेंस क्यों है? रमजान में हम बेचते ही कम रेट, कम रेट में बेचते हो, ये आप अपनी वजह से बेच रहे हो, खिदमत खल्क। जी जी। अच्छा वैसे रेट क्या चल रहा है? वैसे 500 रुपए का चल रहा है। अच्छा माशाल्लाह, चले अल्लाह इसको इनका अजर दे, ये लोग सस्ती मुर्गी बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप मुझे बताओ, मुर्गी हम गोश्त पे काम कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है जी। कुछ बोलोगे कि आपका बजट आउट होता है? जी बहुत ज्यादा है ना जी, क्योंकि अभी शॉपिंग भी करनी है, ईद भी सर पर है, ऊपर से आपने रोजाना के लिए पकाने के लिए गोश्त भी लेना है जी। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा नहीं होता है, अपनी अपनी चीजें कोई नहीं हो सकती, नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए इतनी तंग गलियां हैं कि इन गलियों में ना बता रही हूँ ना, रक्षा, गधा, घोड़ा, इंसान सब मिले हुए हैं और कोई यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी रोड कहाँ जा रही है। अच्छा भाई तुम बताओ, तुम तो कमा के लाते हो। बस महंगाई इतनी हो गई है, कहाँ से पूरा करे इंसान, किधर जाए, कहाँ जाए, ये बता दें आप। इसी वजह से जो है ना इंसान, यही है कि टाइम कम और मुकाबला सख्त चल रहा है। अल्लाह ने तुम्हारे मुंह पे जो देखा ना एक सुकून है, वो इसी वजह से कि तुम खुदा का शुक्र अदा करते हो। शुक्र है अल्लाह का, ये तो मेहनत करो अल्लाह ताला खुद ही बरकत डालेगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, बस आवाम से यही गुजारिश है अपने काम से काम काम से काम रखे। बड़ी प्यारी बात इन दोनों ने की है। देखिए यही मैसेज है कि ये लोग हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कोई रोशनी डालेंगे मुर्गी पे, गोश्त पे? बहुत क्या करें, हम तो 8,500 पेंशन ले रहे हैं। अच्छा। इस ईओबीआई की कमबख्त कोई चीज नहीं, हम कोई काम नहीं है, पेंशन मिल रही है वक्त पे? वक्त पे बस 5 तारीख को। पेंशन इतनी तो नहीं है, 8,500 रुपए बस ईओबीआई की, 8,500 है बस। बस इधर हो जाए, इधर हो जाए, क्योंकि ये मजदूर है ना किसी। हम बाईपास के मरीज हैं, हम कमाते नहीं है, कुछ नहीं करते, अब ये अखराजात कहाँ से पूरे करें ये बताएं। नहीं, ये तो बस अल्लाह ही चला रहा है जैसे चला रहा है बस। बेशक बेशक, चले आप जरा आगे चले जाए इससे पहले कि वो आपको मार जाए, क्योंकि मैंने देखा बड़े जालिम लोग हैं, देख नहीं रहे, सिर्फ अपना सामान उठा के जाने के कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा और मजीद आगे चलूंगी, मैं सिर्फ स्टॉल से इसलिए आगे बढ़ूंगी, थोड़ा सा आगे का व्यू दिखाते हैं मार्केट में। मार्केट में आपको अगर ज़िंदगी देखनी है, मैं आपको पहले कहती हूँ, अगर आपने लाइफ स्टाइल देखना है, लोगों की तकलीफ़ें देखनी है, खुशियाँ देखनी है, प्रॉब्लम्स देखनी है, तो ऐसे बाज़ारों का विजिट ज़रूर करें। उन लोगों को मैं ज़रूर कहूँगी जो बड़े पॉश एरिया में रहते हैं, एक दफ़ा ऐसे बाज़ारों में ज़रूर आए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों की तकलीफ़ें क्या है। यहाँ के लोग जब कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं ना, तो वो कैलकुलेट में कैलकुलेशन कर रही होती है, उनकी औरतें उंगलियों पे गिर रही होती है कि हमारे कितने पैसे बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये छिटड़े कहाँ लेके जा रहे भाई? गोश्त है, गोश्त बिल्लियों का खिलाने, बिल्लियों का गोश्त। अरे भाई आज के दौर में ये इतनी देखी माशाल्लाह, तो कितनी बिल्लियाँ हैं? 6-7 है, कुछ तो, परिंदों को खिलाते हैं कुछ। तो भाई आज तो खाने को पूरा नहीं हो रहा, तुम ये इतनी नेकी कैसे कमा लेते हो? अल्लाह पूरी करता है इंसान की, इंसान की अपनी होनी चाहिए। तो मुश्किल हो गई ना, महंगाई हो गई है, महंगाई तो बहुत ज्यादा है, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। 200-300 रुपए का तो नाम ही नहीं लो आप, 200-300 तो हजार का नोट नजर नहीं आता, तुम 300 की बात करते हो। चले हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ लोगों से भी बात करनी है, बहुत सारे लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, इनके बहुत सारा प्यारा बेटा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने जानवरों को गोश्त खिलाने लेके जा रहे हैं, तो देखिए ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद है जो जानवरों का ख्याल रखते हैं, हम तो इंसानों का ख्याल नहीं रखते। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत शुक्रिया जी। अभी हम वहाँ से थोड़ा आगे आ गए, यहाँ पे भी आपको रश नज़र आ रहा होगा, गोश्त पे काम कर रहे हैं, काफ़ी कस्टमर यहाँ खड़े हुए गोश्त लेते हुए, और इस तक इनके पास बच्चा का गोश्त है, तो वो भी पूछते हैं कि क्या रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या लेने आए गोश्त? अंकल ये क्या दे रहे गोश्त? ये बच्चा ले रहे हैं। अच्छा महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, चिकन भी 600 से ऊपर हो गया है। दिन आराम हो गया, दिन आराम हो गया ना, बिल्कुल दिन आराम। अब जेब में आप हजारों भी लाओ तो पूरे नहीं पड़ते, नहीं पड़ते, और हजारों होते भी नहीं है, जो बात सच है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा कहाँ कहाँ पैसे पूरे करे। तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें किसका कसूर है? ये हुकूमत का कसूर है, और किसका कसूर है? हुकूमत का कसूर है। आपको बाइक चलाते हुए डर लगता होगा? बाइक बच्चा चला रहा है, बच्चे का नहीं, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा हो गया, बहुत महंगाई हो गई। यहाँ पर इनकी फैमिली आई भी है जो गोश्त खरीदते हैं, हम जब पूछते हैं बाकी लोगों से भी, बताएं गोश्त खरीदी कैसे रेट मिला? बस क्या बोलेंगे, सही है यहाँ पर रेट अच्छे हैं। अच्छा ये बताएं, जैसे चिकन अब 600 रुपये चल रहा है, कहीं 450 चल रहा है, डिफरेंस भी रेटों को मिल रहे हैं, अंदर 450 और बाहर 600 रुपये, तो ये ज्यादती नहीं है मैम के साथ? ज्यादती है ना। अच्छा बताएं आपका जो पर्स है
टेंशन नहीं होती कि भाई अब महंगाई है ना, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है ना, टेंशन हो रही है ना, अभी ईद की शॉपिंग भी करनी है। कुछ भी नहीं लिया है, दो तीन चीजें ली है, खत्म, पैसे खत्म। सैलरी वालों के पास है क्या? ऐसे ही होता है, नहीं है महंगाई के जिम्मेदार किसको? सैलरी हमारी आती है, ऐसी है, आने से पहले 10 दिन में खत्म हो जाती होगी। 10 दिन हुए खत्म, हम खुद बैठे हैं कि ईद आ रही है, ईद पे क्या करेंगे? चले अल्लाह में मुश्किल आसान हम सबकी करे। अच्छा इन सिस्टर ने कहा है, बड़ी प्यारी सिस्टर ने, आप जॉब करते हो? हाउसवाइफ। अच्छा मैसेज जी, आप जॉब करते हो, कितनी मुश्किल हो गई जिंदगी? हाँ होती है, लेकिन नहीं मैं क्यों शो करवाऊँ, होती है लेकिन खास तौर पे जो देखो ऐसे लोग मार्केट के लोग विजिट इसलिए हाँ। कर रहे होते हैं कि यहाँ सस्ती चीजें मिल जाती हैं, हम बेचारे परेशान है ना। अच्छा वैसे तो बहुत हो रही होगी, नॉर्मल फैमिली जो रोज के कमाने वाले उनको होती होगी, होती है ना, बहुत होती होगी। अक्सर मैं देखी थी यहाँ पे जो बैठे कमाने वाले उनकी उनकी रोजी नहीं लग रही, वो बैठे हुए फुटपाथों पे बैठे हुए, ऑटो है और भी बहुत सारी रोजी है जो नॉर्मल रोज कमा के लेकर जाते हैं तो पकता है। अब जैसे हम लोग हैं माशाल्लाह अच्छे कमाने खाने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को भी फर्क पड़ा है, तो फिर नॉर्मली मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मुझे हमने फर्क पड़ा है, पड़ा है तो फिर डेफिनेटली उन लोगों को पड़ा होगा। ये जो मार्केट है कहते हैं रीजनेबल मार्केट है, और यहाँ पर तमाम चीज़ें बड़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। गोश्त की प्राइस भी यहाँ पर क्या चल रही है, मैंने चिकन के भी रेट बताए, डिफरेंस थे, मेन पे 600 था, यहाँ पे 555 था, अंदर गई 450 था, तो मुझे समझ नहीं आई कि एक ही मार्केट में तीन रेट चल रहे हैं, तो वो रेट का डिफरेंस भी था, तो आप बताएं हम किस पे यकीन करें? एक कहता है मैं खुदा तरसी में दे रहा हूँ, एक कहता है पीछे से रेट ही आ रहा है, और एक कहता है हमारे रेट ही है, तो डिफरेंस आ गया। अब हम किसकी बात को सही समझें कि कौन किस लिए काम कर रहा है? तो यहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गोश्त लेने आए? क्या मिल रहा है गोश्त? मिला बगैर हड्डी का 800 रुपए। हाँ 800 रुपए किलो। जरा दिखाएं कीमा बनवाया आपने? दिखाएं, ये कितने का है? ये है 200 रुपए का एक पाव। एक पाव, अच्छा मैं आपको सिर्फ ये दिखा देती हूँ, ये एक पाव कीमा 200 रुपए का है, ठीक है? और आप सोचे इसमें आलू डलेंगे थोड़े से या शोरबा डलेगा, फिर जाके मुश्किल से एक बक की हांडी इनकी बनेगी 600 से 700 रुपए में, 500 में, 500 में बनेगी, तो महंगाई का रेशो बहुत बढ़िया। क्या कह रहे आप? नहीं ये कीमती हो गया, आप छीन ले लें, रख ले, बहुत कीमती। इन्होंने मेरे हाथ से ऐसे गोश्त छीना, मैंने कहा बहुत कीमती हो गया, संभाल के घर लेके जाएगा, क्योंकि अब हालात आगे ऐसे चल रहे हैं। इस वक्त मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से मस्जिद वापस आऊँगी, तो न्यूज़ नाइट में जैसे यहाँ पर रोशनी तो है पर अंधेरा ही अंधेरा है दुनिया के नज़रों में, अंधेरा में हम मिलेंगे आपसे न्यूज़ नाइट, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ नाइट, और न्यूज़ नाइट में मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे गोश्त मुर्गी मटन की रेटों की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हर बंदे का अपना रेट है, कोई किसी हिसाब से दे रहा है, कोई किसी हिसाब से दे रहा है, पर मैं फोकस करूँगी कि यहाँ रेट में कितना डिफरेंस है, आवाम का क्या ख्याल है। और वैसे भी माशाल्लाह थोड़े दिनों बाद ईद आ जाएगी, तो ईद पे ये पकवान मजीद कहाँ तक जाएंगे उस पर हम बात करेंगे। चलिए आगे जाके बात करते हैं। इस वक्त मार्केट में ठीक है गोश्त लेने वाले लोग हैं, लेकिन कितना ले रहे हैं? वो भाई साहब के पास एक पाव की पूड़ी थी, तो वह मेरी हाथ जितनी पूड़ियाँ थी वो, तो मुझे मुझे इस वक्त देख के शदीद दुख हो रहा है कि आप सोचें आपके घर में क्या एक एक पाव गोश्त आता है? नहीं आता ना, आप जो बड़े लोग बैठे हैं उनके घर में एक पाव गोश्त नहीं आता। लोग ये लोग मजबूर इसलिए कि महंगाई इतनी है, उनकी इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये फेफड़े छुरी लेने आया हूँ। फेफड़े सदके के लिए आए या खाने के लिए पकाएंगे? वो कहीं सदके के लिए करते हैं, कोई खाते भी हैं हम लोग, भी देते हैं ना? हाँ हाँ लोग। अच्छा, चील वगैरह को तो भाई दे। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे गोश्त के रेट और मार्केट से सस्ते? नहीं मुख्तलिफ है, सस्ते तो नहीं है, सस्ते नहीं है मुख्तलिफ। हाँ हाँ वो अपनी मर्जी का हिसाब है, हर आदमी अपने हिसाब से बेचता है। हाँ तो किसको क्या बोले, किसी को नहीं बोले। भी 600 की मिल रही है, कहीं 500 मिल रही
एक कुर्बान यही चीज़ें चल रही हैं। तो अब दावत में आप क्या बनाएंगे इस दफा? इस दफा अल्लाह मालिक के जब देखा जाएगा। आया तो सब्जी दाल भी नहीं बना सकते, वो भी महंगी है। बस क्या करें, अल्लाह जो नसीब है ना ऐसा। अल्लाह इज्जत रखे, आगे चलते हैं। यहाँ फेफड़े, दिल, कलेजी, गुर्दे सब मिल रहे हैं और जाहिर सी बात है इनका डेली का काम है, लेकिन ये डेली माल अपना रख नहीं सकते क्योंकि ये ख़राब होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। अच्छा, गोश्त यहाँ पे बच्चे का भी है, गाय का भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, हर तरह का गोश्त है। और साथ साथ आपने देखा होगा भरपूर गंदगी भी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या कहेंगे लोग, रेट इतने बढ़ते चले जा रहे हैं गोश्त के, मुर्गी के? ये तकरीबन है, काफ़ी रेट बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, अब तो वैसे भी माशाल्लाह करीब करीब ईद है। जी जी हाँ, पकवान बनेंगे, जी जी बनेंगे, घर में थोड़ा बहुत खाना तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी डिस्काउंट देना चाहिए। हाँ जी, रमजान के हिसाब से। तो आपको डिस्काउंट किससे, आप गवर्नमेंट से डिस्काउंट मांगे ना, ये कैसे देंगे? हाँ, ये लोग तो मजबूर हैं, मार्केट से महंगा मिलता है तो ये भी महंगा बेचते हैं। वैसे मैं सोचती हूँ यहाँ पे अगर उन लोगों की तस्वीरें लगा दी जाएं जो हुक्मरान है, तो शायद आवाम खरीद ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आए यार फला चीज बिक रही है, खरीद लो खरीद लो। हाँ, आवाम जाएगी तो खरीदेंगे, नहीं तो उनको रद्द कर देंगे। महंगाई के बारे में कुछ और कहेंगे? बस ये कि हर चीज तकरीबन बढ़ती जा रही है, कोई इधर की तरफ देखने वाला नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ईद की तैयारियाँ भी साथ साथ हो रही है। मैं थोड़ा सा, हालांकि फोकस हमारा नहीं है, लेकिन सेमियाँ भी दिखाऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेमियाँ, और सेमियाँ के बगैर ईद, मीठी ईद नहीं होती है। इस पर अल्लाह में इनके भी स्टॉल में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम अंकल जानी, आप माशाल्लाह सबसे अच्छी चीज़ बेच रहे हो, रमज़ान के बाद ईद में यही बनेगा, कैसे दे रहे? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। अच्छा आप बताएं मार्केट की पोजीशन क्या है अभी? बस ऐसी चल रही है। ये गोश्त इतना महंगा हो गया है? अब गोश्त महंगा हो गया, गोश्त खाते हैं तो महंगा हो गया। बाहर से मार्केट से तेज़ मिलेगा तो तेज़ ही बिकेगा, सस्ता मिलेगा तो सस्ता बिकेगा। अब 550 रुपये बेच रहे हैं हड्डी वाला, ठीक है, अब क्या करा जाए। 750 रुपये बगैर हड्डी का दे रहे हैं। एक किलो तो हर रात भी चाय होता है। अब एक किलो में बनता क्या है? तो पाँच छः एक वक्त की हांडी। हाँ, पाँच छः आदमी खाने वाले हो। एक वक्त की हांडी, वो भी एक एक बोटी, वो भी लड़े होते हैं, अम्मा हमारी नहीं निकाली आपने। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी बोटी नहीं निकाली, तुम्हारी नहीं निकाली। पहले अम्माएं होती थी, मुर्गी की टांग निकाल लेती थी, हमारा बेटा खाएगा, हमारा बेटा आएगा। मेरी अम्मी भी बचपन में ये करती थी, हम छोटे होते थे तो नानी जो है ना, वो अच्छी अच्छी बोटी निकाल के रख लेती थी। तो वो ये इसलिए करती थी, उससे कहते थे महंगाई नहीं थी, सब लोग बड़े अच्छे वे में खा रहे होते थे, हर इंसान का दस्तरखान बहुत वसी होता था। खैर अभी भी माशाल्लाह होता है, अल्लाह पाक ने ये सिलसिला अपने हाथ में रखा है, वरना तो हम लोगों के मुँह से निवाले ही छीन ले। अभी एक और साहब से बात करते हैं। बहुत महंगाई हो गई, गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। 4-5 किलो गोश्त एक बंदा का लेके जाएगा तो उसको तो बहुत पैसे चाहिए। जी हाँ ठीक है, मतलब गोश्त के अगर एक वक्त पे खड़ा हो जाए तो 5-10 हज़ार लाजमी चाहिए। ठीक है, लाजमी चाहिए इतने पैसे तो। किसको कसूरवार कहेंगे? गवर्नमेंट का कसूरवार है, जो गवर्नमेंट सस्ती करे तो। पैसे कौन देता है आजकल? गवर्नमेंट का कसूर है। यहाँ पे भी देख रहे हैं तमाम इस तरह के लोग हैं जो इस तक गोश्त बना रहे हैं, हर बंदा इस तक परेशान है। गोश्त पे मैं भूल गई, मैं इस तक गोश्त पे काम कर रही थी और इस तक मार्केट आपको दिखा रही हूँ। वो मार्केट है जहाँ पर चहलकदमी बहुत ज़्यादा है, हर तरफ लोग ही लोग हैं। मुर्गी को दिखाया, गोश्त को दिखाया, क्या रेट चल रहे हैं, डिफरेंस बताया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़राब भी थी, मार्केट भी बहुत ख़राब है, रोडें भी बहुत ख़राब है, लेकिन ये कहूँगी कि या अल्लाह इसको बेहतर करने वाले लोग हुक्मरान अच्छे पैदा कर दें। हमारे मुल्क में, हमारे कराची में बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं, और मैं गवर्नर सिंध से भी गुजारिश करूँगी, कामर किशोरी साहब से, जिन्होंने बड़ा बोला है कि एक हफ्ते का उनको नोटिस दे दिया जाए चार्ज तो वो क्रिमिनल को ख़त्म कर देंगे। तो मैं उनसे कहूँगी खुदा रहा ऐसे इलाकों में भी आए, ऐसे इलाकों में आके कहें कि मैं एक हफ़्ते में रोडें सही करा दूंगा, मैं महीने में फला चीज़ सही करा दूंगा, मैं महीने में ये चीज़ बेहतर करा दूंगा। और ठीक है, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वो जा रहे हैं, अफ्तारियाँ सहरियाँ हो रही हैं, अच्छी जगहों पर हो रही हैं, लेकिन आप लोग ऐसे इलाकों में भी आके ज़रा देखें कि यहाँ की अफ्तारियाँ कैसी होती हैं, यहाँ की सहरियाँ कैसी होती हैं, यहाँ की तकलीफ़ें कैसी होती हैं, यहाँ के दस्तरखान कैसे होते हैं। ये लोग आपस में वक्त से पहले लड़ रहे होते हैं कि हमारे को 10 रुपये बच जाए, 20 रुपये बच जाए, लेकिन जब एक कहते ना वक्त आता है, नमाज का वक्त आता है, रोज़ा खुलने का, तो इनमें यकजहती हो जाती है और सब
आपके दस्तखान एक हो जाते हैं। तो ये है मुसलमान। मुसलमान कहते हैं जब भी, तो हम कहते हैं कि कोई ना कोई इंसान दुनिया में ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से दुनिया कायम है। बुराई से ज़्यादा अच्छाई है, और अच्छाई एक ही आप सब पे हावी हो जाती है। खैर, मैसेज पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो आज लोगों ने तनकीद का निशाना मीडिया को बनाया, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मीडिया अगर सब बिका हुआ होता ना, तो आपके घरों तक, आपके मोबाइलों तक न्यूज़ ना पहुँचती कि फलाह की बेटी के साथ ये हो गया, फलाह लड़का मर गया, फलाह के साथ ये मसले मसाइल हो गए। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे को दिखाने वाले, आईना दिखाने वाले मीडिया लोग बैठे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि करप्शन हर जगह है, करप्शन हमारे अंदर है, हमें अपने अंदर की करप्शन को ख़त्म करना होगा। खैर, इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मेरी पूरी टीम को मुझे न्यूज़ नाइट के साथ दार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।